चलो ठीक है। पहले 20th क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस वन इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर दैट इज जीरो। अच्छा ध्यान से चेक करो, कल मैंने तुम्हें बताया था पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, हमेशा पॉजिटिव, तो ये अपवर्ड वाला ग्राफ है। ठीक है। अच्छा सच दैट यूनिटी लाइज बिटवीन द रूट्स। यूनिटी मतलब वन, लाइज बिटवीन द रूट्स देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी इज। तो वन बीच में लाई करना चाहिए, राइट। अब अपवर्ड ग्राफ है, अगर एफ ऑफ वन मेरा नेगेटिव आ जाए, राइट, एफ ऑफ वन मेरा नेगेटिव आ जाए प्लस डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो ये दो कंडीशन है इसके लिए, क्या हो गया, हो नहीं रहा, मतलब वो करो ना, मैं बस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो करो, बाकी कर लेगा ना। हाँ बस ठीक है। तो भाई इसकी है, मैं पूरे फंक्शन की बात कर रहा हूँ, फोकस। उसकी रेंज नहीं निकाल सकते मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी आउटपुट आएगा वन पे वो नेगेटिव होना चाहिए ना, बिलो एक्स एक्सिस होना चाहिए, मैं तो वो बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर यानी कि पी माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए दैट इज पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन इंटू सी यानी कि पी स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अच्छा इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, क्या इस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर हमने मेक श्योर कर दिया कि ए हमारा पॉजिटिव है तो अपवर्ड ग्राफ है एंड वन पे आउटपुट उसका नेगेटिव आ रहा है, मेरी बात समझ, ये कंडीशन मेक श्योर नहीं करेगी कि रूट्स हैं, क्योंकि ए पॉजिटिव है अपवर्ड है, अपवर्ड है राइट, एंड वन पे आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, तो दो पॉइंट्स में तो कट करके जाएगा ही जाएगा ना यार, डिस्क्रिमिनेंट तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही सबसेट बन जाएगा ना फिर, बात समझ रहे हो। तो इसके यही चीज थी इसके अंदर कि इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये वाली इतनी गंदी क्वेश्चन दे रखी है, क्योंकि अगर मैंने वन पे श्योर कर दिया कि आउटपुट नेगेटिव है तो वन पे नेगेटिव, ऊपर से ए पॉजिटिव भी है, इसका देने का एक रीजन था, ए पॉजिटिव भी है, ए पॉजिटिव है अपवर्ड है, वन पे आउटपुट नेगेटिव है, तो भैया ऑब्वियसली दो पॉइंट पे कट करके जाएगा जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट वाली जो चीज है ना वो इसका सबसेट ही बन रहा है, तो अपने को सिर्फ यही वाली कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है, ये समझे, इससे हो जाएगा, समझने की कोशिश करो। अब इसमें कोई ना कोई ट्रिक थी इसके अंदर ना डेफिनेटली, कि जो उस कंडीशन को हटाती, और ट्रिक यही थी कि उसको करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर वन पे आउटपुट नेगेटिव आ रहा है तो नीचे आ रहा है, ऊपर से ए पहुंचे तो ऊपर जाएगा जाएगा, तो एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा जाएगा, यानी कि रूट्स हैं उसके, अगर रूट्स हैं डिस्क्रिमिनेंट उसका ही सबसेट बन जाएगा। हाँ ये वाली चीज जो है हमारी उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट, अगर तुम्हें पक्का पता है कि ए पॉजिटिव है, तो देखो या तो मेक श्योर कर लो ऐसा ना, जैसे डी लाइज इन बिटवीन द रूट्स है, ये पक्का कर लो ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी लेस देन जीरो चलेगा, फिर सिर्फ यही कंडीशन लगानी है हमें, अगर ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव है, सिर्फ यही कंडीशन लगानी है, मतलब वो तो दोनों का हो गया, लेकिन यहां पे पक्का हो गया ना कि ए क्या है, दोनों में से क्या है,
यहाँ पे पक्का है ना ए पॉजिटिव है, अगर ए का साइन पता ही है तो फिर मैं सिर्फ एफ ऑफ डी के ऊपर कंडीशन लगाऊंगा ना, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ उसके बिना भी चलेगा, पॉइंट ये है, ठीक है, रूट्स है बस, और इसके रूट तो आएंगे ही आएंगे तो वो उसी से पता चल गया। पहले अभी ये वाले उसके बाद करता हूं। वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज मिनिमम, तो प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी किया तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए माइनस टू बाय ए दैट इज टू का स्क्वायर, माइनस टू अल्फा बीटा सी बाय ए, माइनस साइन कॉमन लेके उधर जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाय ए, तो ये टू गया एंड इधर से ये टू गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर प्लस ए प्लस वन, तो ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस फाइव। अब इस चीज की वैल्यू किस ए के लिए, इस चीज की वैल्यू मिनिमम है जहां पे इसका डेरिवेटिव मतलब इसके ए में क्वाड्रेटिक है ना, तो ऐसा रहेगा ये वाला पॉइंट, राइट, तो इसके लिए डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, थ्री बाय टू आ रहा है, क्या आंसर है इसका, थ्री बाय टू है, आ तो रहा है, इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कब होगी जहां पे इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, क्या दिक्कत है इसमें, में बोलो आप आंसर नहीं मैच कर रहा, हाँ वो एक नंबर दिया हुआ है ना शायद, हाँ कुछ तो उसका है, मैं बताता हूं, थ्री बाय फोर की पावर सिक्स एक्स प्लस टेन माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 27 बाय 64, तो 27 बाय 64 को 3 बाय 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, राइट, अब ध्यान से देखना, a की पावर x1 लेस देन a की पावर x2, ठीक है, इसको कैसे हैंडल करना, इसको हैंडल करने के दो तरीके होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a, अगर a मेरा 0 टू 1 के बीच में है या फिर a मेरा 1 से इन्फिनिटी के बीच में है, जैसे इस केस में क्या है, a 3 बाय 4 0 टू 1 के बीच में है, तो अगर a 0 टू 1 के बीच में होता है, राइट, तो साइन विल रिवर्स, मतलब x1 इज ग्रेटर देन x2, एंड अगर 1 से बड़ा है तो साइन विल रिमेन सेम, यानी कि x1 इज लेस देन x2 होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस केस के अंदर जो y इक्वल टू a की पावर x है वो होता है डिक्रीजिंग, एंड इस केस के अंदर क्या होता है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के अंदर ये समझ लो कि सेम इनइक्वालिटी हमेशा रहती है, क्यों, क्योंकि बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट आएगा, इंक्रीजिंग है, छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट आएगा, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है उल्टा, छोटे इनपुट पे बड़ा आउटपुट आता है इसलिए इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, राइट, तो मतलब जब जब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इनइक्वालिटी उल्टी होगी होगी, ये डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाए डिक्रीजिंग फंक्शन, अब जैसे लॉग है, लॉग के अंदर में मैंने तुम्हें क्या बताया था, लॉग ए बी लेस देन सी, अगर अब ए अगर जीरो टू वन है, ए अगर वन टू इंफिनिटी है, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगा इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, बी ऐसे लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन ए की पावर सी, एंड इधर बी एज इट इज इनइक्वालिटी एज इट इज, ये बन जाएगा ए की पावर सी,
ये चीज है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके लिए लॉग का फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग। इसके लिए लॉग का फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो सेम रहेगी, मतलब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी है, रेदर देन कि मैं बोलू लॉग की या एक्सपोनेंशियल की। लॉग और एक्सपोनेंशियल का बिहेवियर वो जा रहा था, इसलिए वो वाली प्रॉपर्टी लगी इसमें। सब में चलेगा, ये सब में चलेगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या जाएगा? ये सारा का सारा दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टेन, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? थ्री। इसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स क्या आ जाएगा? थ्री माइनस टेन माइनस सेवन लेस देन जीरो। राइट। अब यार ये तो ए पॉजिटिव है, ये लेस देन जीरो कब आएगा? बेसिकली इसका ग्राफ बनेगा ज्यादा से ज्यादा ऐसा अगर इसका रूट्स है, राइट right? तो इसका आंसर क्या आएगा? इन बिटवीन द रूट्स। तो रूट्स निकाल लो बस, इसके छोटे रूट से लेके बड़ा रूट ये आंसर है। अब छोटा रूट क्या आएगा इसका? पहले रूट्स निकालो। हाँ, बेसिकली माइनस सेवन एंड वन है ना इसका फैक्टर्स। ये बन गया ना। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना होती, मान लो मैं ये बोल रहा हूं, अगर मान लो इरेशनल रूट्स जाते हैं, फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना होती, तो बच्चा यहां पे आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन स्टिल इरेशनल रूट्स भी है, तभी उसको एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा तो लिख सकते हो ना। तो छोटे वाले रूट से लेके बड़े वाले रूट तक आ जाएगा आंसर, और क्या। चाहे सेपरेटिंग द मिडिल टर्म ना हो, चाहे फैक्टराइजेशन ना हो, फर्क नहीं पड़ता, इरेशनल रूट्स भी हो, तो इसके रूट्स निकालो छोटे वाले रूट से। तो अगर ये बिहेवियर तुम्हें पता है, पता है इन बिटवीन रूट्स मेरा आंसर है, तो छोटे वाले रूट से बड़े वाला रूट डाल दो। इसलिए मैं डायरेक्टली रूट्स निकाल रहा था। अब क्या आएगा? माइनस वन टू सेवन, यही आंसर है इसका। पीछे कुछ और दे रखा है, ये आंसर है इसका। इन बिटवीन रूट्स ही आंसर इसका। How many quadratic equations are there which are unchanged by squaring their roots? मतलब roots का अगर square कर दिया तब भी equation क्या रह रही है? Same. यार roots का square करने पे equation same कब रहेगी? जब roots का square करने पे roots change नहीं कर रहे, right? तो ऐसे कौन कौन से roots हो सकते हैं? सोचो, एक अगर दोनों roots zero zero है, स्केयर करो तब भी यही रहेगा, या फिर वन कोमा वन, या फिर जीरो कोमा वन। वन कोमा जीरो, जीरो कोमा वन एक ही बात है बेटा, इक्वेशन सेम बनेगी। एक और है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? इसका स्केयर ये होता है, इसका स्केयर ये होता है, ठीक है। ओमेगा का स्केयर ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर का स्केयर क्या होता है? ओमेगा की पावर फोर, लेकिन वो पावर थ्री के कारण हटके ओमेगा आ जाता है। तो फोर्थ इक्वेशन इसकी बनी, और इसकी इक्वेशन क्या होती है? कल बताया था इसके रूट्स, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। अच्छा, अब याद है हमने ये बोला था कि रूट्स का अगर स्केयरिंग करो तो इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म करती है? एक्स की जगह क्या डालते हैं? रूट एक्स डाल के देखते हैं क्या इक्वेशन सेम आ रही है। डाल के देखते हैं क्या आ रहा है। इधर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस इक्वल टू जीरो, रूट एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, स्केयरिंग कर दी एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। इसको उधर ले जाओ, अरे वापिस वही आ गई। तो मतलब रूट्स के स्केयर करने से इस इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि रूट्स ही चेंज नहीं किए। क्लियर है? तो चार इक्वेशन का।
और बोलो अगला था 31 31 फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ दिस। देखो अब एओडी वगैरह को थोड़ा यूज करेंगे, जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया 4x³ - 4, उसको जीरो किया तो डेरिवेटिव देखे कहां पे जीरो जा रहा है, ये x³ = 1 हो जाएगा। x³ = 1 का सिर्फ एक ही रियल रूट होता है, बाकी दो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं, रियल रूट एक ही आ रहा है तो 1 पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, इसके अलावा कभी जीरो नहीं जा रहा, राइट। अच्छा तो 1 पे वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, 1 पुट करो -4 यहां पे टर्न कर रहा है, ठीक है। 0 पे वैल्यू आ रही -1, राइट। अच्छा अब डेरिवेटिव को अगर मैं देखूं ध्यान से, 4 × x³ - 1 है, 1 को लिखा 1 का क्यूब, तो x - 1 × x² + x + 1 y-, हाँ या ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये 1 के बाद हमेशा पॉजिटिव, 1 के पहले हमेशा नेगेटिव, यानी कि 1 के बाद हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, 1 के पहले हमेशा नेगेटिव। अब 0 पे वैल्यू देखो क्या आ रही थी, 0 पे वैल्यू आ रही है -1, यानी कि दूसरा वाला रूट जो है वो पीछे ही होगा, ये समझ में आ रहा है। तो पॉजिटिव नंबर ऑफ रूट्स कितने रहेंगे इसके, एक, ये क्लियर हुआ, क्या चीज नहीं समझ में, बोलो। डेरिवेटिव वाई डैश, देख डैश का मतलब डेरिवेटिव, 4x³ इधर आ गया 4, 4 कॉमन लेके इक्वल टू 0 करके x³ = 1, तो x = 1 क्योंकि बाकी रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, तो डेरिवेटिव सिर्फ एक ही बार 0 हो रहा है, यानी कि टर्निंग पॉइंट एक ही है, एक से ज्यादा है ही नहीं। कौन सा टर्निंग पॉइंट है, x = 1, तो वहां पे देखो वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 1 पे वैल्यू देखिए आ रही -4, तो ये टर्निंग पॉइंट है। अब इसका डेरिवेटिव जो निकाला था उसकी फैक्टराइजेशन करके ये बन गया, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये 1 के बाद पॉजिटिव, 1 के पहले नेगेटिव, राइट। 1 के आगे पीछे साइन चेंज करेगा, 1 के बाद को कोई भी नंबर पुट करा पॉजिटिव, 1 के पहले नेगेटिव, तो 1 के पहले नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, 1 के बाद इंक्रीजिंग। अब ये जो डिक्रीजिंग है, 0 पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 0 0 -1, तो 0 पे वैल्यू आ रही -1, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसके इधर से ऊपर की तरफ जाएगा, तो नेगेटिव रूट कितने आ रहा है, एक, पॉजिटिव रूट आ रहा है एक, ठीक है। कई होते हैं यार, जड़ी चीज है, कोई लेना देना नहीं है सिलेबस नाल, ओदा की मतलब है, अरे मैं तेनू की कह रहा, जिड़ी चीज का कोई लेना देना नहीं है, तू जिन्ने मर्जी ऐसा रूल बोल रहा यार, हर अलजबरा दे विच तेनू 100 रूल ऐसा लिया के दे दंगा, मैं वही कह रहा, उन्हें तो कोई लेना देना नहीं है जी सिलेबस नाल। लेट ए कोमा बी 33, देखो find the smallest natural number b for which the equation has unequal real roots for all a belongs to real,
अनइक्वल है, रियल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। तो वो किया क्या आ गया, बी स्क्वायर फोर टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, फोर गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस एट ग्रेटर देन जीरो। अब उसने क्या बोला है, ए बिलोंग्स टू ऑल रियल। अब ए बिलोंग्स टू ऑल रियल का मतलब क्या, ए जो मर्जी डाल दो ये वाली पूरी की पूरी चीज जो है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू टू बी माइनस वन प्लस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस एट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब ये ए में क्वाड्रेटिक बन गई। अब इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या चला गया कि भैया इस क्वाड्रेटिक के अंदर ए जो मर्जी पुट करो ये चीज की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। ये क्वाड्रेटिक हमेशा अबव एक्स एक्सिस रहेगी क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है। तो ए क्वाड्रेटिक हमेशा अबव एक्स एक्सिस कब रहेगी, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन जीरो। तो इस ए की क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट फर्दर लेस देन जीरो कर दो, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू दिस, दिस शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है, क्या बना, फोर बी स्क्वायर माइनस फोर बी प्लस वन माइनस फोर बी स्क्वायर माइनस फोर बी प्लस 32 लेस देन जीरो। ये और ये कटा, ये 8b आया, 8b उधर गया, तो 8b इज ग्रेटर देन 33, तो b इज ग्रेटर देन 33 बाय a, तो 4 पॉइंट समथिंग। तो 4 पॉइंट समथिंग का जस्ट कौन सा एक स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, 5। तो 5 आंसर इसका। बंद करो 34। करो यार ट्राई, दोबारा करो ट्राई। एक एट्थ क्वेश्चन बोला था मैंने, एट्थ बोला सेवंथ बोला था, सिक्स था किसके, एक बार दोबारा करो ट्राई, दोबारा करो ट्राई। अरे कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन जे एडवांस का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइम का, ठीक है, 2006 का क्वेश्चन है ये, और ये अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग इस पे, होने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, 34 अभी होल्ड पे रखो। 35th भाई कुछ ना कुछ कनेक्शन है, रिलेशन है जो अभी भी मिस कर रहे हो। 35th फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ वो ये बोल रहा है कि इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है। ठीक है, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ पी एंड एक्स, मतलब पी जो मर्जी हो जाए एक्स जो मर्जी हो जाए, इस चीज की रियल मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो ये पॉजिटिव है, तो एक्स के अंदर जो क्वाड्रेटिक उसका रेंज क्या होगा, माइनस जी बाय फोर ए से इंफिनिटी, राइट। अच्छा, मतलब
वैल्यू जो होगी वो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी बाय फोर है, तो माइनस ऑफ बी स्केयर यानी कि इसका स्केयर फोर, फोर पी स्केयर प्लस वन का होल स्केयर माइनस फोर इंटू ए दैट इज टू पी स्केयर प्लस वन इंटू सी यानी कि टू एक फोर का स्केयर आ जाएगा एंड टू पी स्केयर प्लस वन का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन ओपन करके ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एंड ये बन जाएगा टू का स्केयर, स्केयर कॉमन लिया ये एंड इधर स्केयर कॉमन लिया ये, माइनस जी बाय फोर है यानी कि फोर इंटू टू पी स्केयर प्लस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एट पी स्केयर प्लस टू एंड एट पी स्केयर प्लस फोर, ठीक है। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो दोनों का एडिशन करो क्या आ रहा है, सिक्सटीन पी स्केयर प्लस सिक्स, एडिशन करना ना ए प्लस बी। अब माइनस करना है तो दिस माइनस दिस, ये कटेगा तो फोर माइनस टू टू डिवाइडेड बाय फोर टाइम्स टू पी स्केयर प्लस वन, टू को मनाने पे ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा एट, तो फोर एंड फोर कटेगा, तो जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस होनी चाहिए। अब पी जो मर्जी हो जाए, इसका रेंज निकाल लो, इसकी मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी, तो वहां से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब एक काम कर सकते हो, लॉन्ग डिविजन कर सकते हो, ठीक है। मैंने किया प्लस वन माइनस वन, ध्यान से देखो, तो इधर प्लस फोर माइनस वन हो जाएगा, अलग अलग कर दिया, ठीक है। यहां से फोर कॉमन आया, ये कटा, तो v इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर माइनस वन बाय टू पी स्केयर प्लस वन। ध्यान से देखो, टू पी स्केयर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, प्लस वन किया तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, याद आएगा लेस देन इक्वल टू वन, कहां तक, जीरो तक, जीरो ओपन, राइट। तो ये पूरी की पूरी चीज क्या आ गई, बेसिकली जीरो टू वन, इसका नेगेटिव करना, फोर माइनस दिस करना, पहले तो इसको माइनस अंदर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, फोर प्लस माइनस वन टू जीरो ये, और प्लस फोर कर दो क्या आ जाएगा, थ्री से लेके फोर, राइट। इंटीग्रल वैल्यू पूछा है क्या, नहीं, तो क्या वैल्यू आ गई, वन, कुछ गलत तो नहीं किया हमने, एक्चुअली में जब अलग अलग किया ना, फोर इधर भी आना था, ठीक है ना, फोर इधर भी आना था, ठीक है। देखो ऐसा था ना, एट पी स्केयर प्लस सिक्सटीन पी स्केयर प्लस सिक्स इंटू टू डिवाइडेड बाय फोर इंटू, अच्छा नहीं ये फोर पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इसका टू आके थ्री एंड इसका एट एंड ये पहले कट गया, ओके,
चलो ये मैं चेक कर लूंगा फिर, अगर कुछ, क्योंकि इसमें मेथड में गड़बड़ नहीं लग रही, मेथड इसका यही होता है ठीक है, कि एक्स के अकॉर्डिंगली वेरी करवा के हाँ कहा, हाँ तो प्लस वन माइनस वन किया था ना, प्लस वन करके फोर हो गया एंड माइनस वन करके ये अलग हो गया, ये फोर कॉमन आया तो ये वन हो गया, ये हो गया टू, ये कटा तो ये बन गया ना ठीक है ना। तो लेट मी सी आंसर में कुछ गड़बड़ है क्या, क्योंकि मेथड तो इसका यही है ठीक है। 39 थर्टी सेवंथ में नहीं बता सकते, माइनस वन टू जीरो है ना, नेगेटिव है, सेकंड भी हो सकता है थर्ड भी हो सकता है। पहली बात तो हमें लेनी नहीं है, जो आएगी वही आंसर, देखो ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, वो बोल रहा है कि कॉस अल्फा इसका रूट है तो साइन टू अल्फा क्या होगा ठीक है, क्या आ रहा है इसका, ये आ गया 300 ना, 300 आ गया ना, 25 इंटू 12 300 आ गया, तो 5 का क्या करोगे 300 आ जाए, माइनस 5 प्लस माइनस बाय 50, फिफ्टी, तो एक माइनस 40 बाय 50 माइनस 4 बाय 5 आ गया, एक आ गया, तो यही आंसर आया ना, क्योंकि दूसरा पॉजिटिव आ गया तो कॉस अल्फा ये है। अच्छा अब तुम बोलो कि जो इससे डबल एंगल निकालना है वो क्या होगा, ओके नहीं कुछ भी हो सकता है, नहीं ले सकते बिकॉज अगर कॉस इनवर्स लिया यू रिज्यूमिंग इट टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ तो आप वैसे इग्नोर कर दिए, वो नहीं कर सकते ना, क्या नहीं आ रही ना, उसने बोला एक्स माइनस वन टू जीरो, अरे अगेन ये सब आइडियाज हैं तुम्हारे, करके देखो नहीं हो पाएगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट हुआ तो देखो साइन टू अल्फा निकालना, साइन टू अल्फा क्या होता है, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, उसमें साइन भी डालना कॉस भी डालना है, तो कॉस तो डाल दोगे, अब जब साइन डालोगे इसका अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आ जाएगा, थर्ड में तो नेगेटिव आ जाएगा, तो दोनों आने चाहिए, आने दोनों चाहिए, नहीं कर सकते अगर कोई कंडीशन उसको अलग अलग नहीं कर सकते तो फिर तो है। हाँ अगर कोई कंडीशन होती जिससे दोनों में से एक इग्नोर हो जाता तो फिर एक ही आता, कोई है ही नहीं। 39th क्या हो गया, सर बी आ रहा सी नहीं आ रहा, बी
ठीक है, ये आ गया। तो बोल रहा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट से लाइन, तो बेसिकली सम ऑफ रूट जीरो होगा, तो माइनस बी बाय ए जीरो होगा, तो बी जीरो होगा, ठीक है ना। माइनस बी बाय ए केड़ी गुड़ी सोचा जाए, कुछ सोचन नहीं तू। माइनस बी बाय जीरो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी जीरो, तो ये जीरो, तो ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, यानी कि पी क्यू आर क्या हो जाएंगे एपी में। अब वो क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या आ रहा है, पी क्यू माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय वन, सी बाय आगे वन। अच्छा आर की वैल्यू क्या आ रही है, पी प्लस क्यू बाय टू, तो इधर डाल दिया पी प्लस बाय टू, एलसीएम लेके ये टू इधर, तो क्या आ गया टू पी क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू डिवाइडेड बाय टू, ये कटा, तो माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय टू आ तो रहा है, आ रहा है वैल्यू पुट की आर की, आर की इधर से जो वैल्यू है पी प्लस क्यू बाय टू उधर प्रोडक्ट में पुट कर दी। खुद सोचो उसके अंदर, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर पी एन क्यू की टर्म्स में दे रखा है ना यार, आर की टर्म्स में दे नहीं रखा, तो आर को इलिमिनेट करना था, बात खत्म। एक 36 भी है, कौन सा 36, नहीं सिर्फ लंबा जा रहा है इसके लिए पूछ रहे हो। देखो बेसिकली ऐसा है, इसका मेथड ये है कि जब मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालूंगा और इसके अंदर पुट करूंगा अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा में, तो के में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके रूट्स के वन के टू है, फिर वहां से मेरे को सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के ये निकालना के वन बाय के टू प्लस के, इसके अलावा नहीं होता, नहीं। ठीक है 41 का ए, देखो अंदर फैक्टराइजेशन हो गया एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री बन गया। अब तो केस वन, वन टू थ्री के बीच बीच में, तो यहां पे क्या ओपन होगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो नेगेटिव के साथ ओपन होकर माइनस आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस इधर के जा रहा है टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव, तो टू एक्स कॉमन एक्स प्लस फाइव, सॉरी एक्स कॉमन आएगा टू एक्स प्लस फाइव, एंड इधर आ जाएगा माइनस वन तो टू एक्स प्लस फाइव, तो इधर आ जाएगा टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन कॉमन आ जाएगा, ठीक है इधर आ जाएगा टू एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, दैट इज माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू, माइनस इन कॉमन ले लो, इधर माइनस इधर माइनस, That is zero. Right? अच्छा, अब we have to make sure कि इसके जो roots है वो 1, 2, 3 के बीच बीच में होने चाहिए, अदरवाइज नहीं। 1, 2, 3 के बीच बीच का मतलब ये वाला चीज, ये 1 included, 3 not included. ठीक है, अच्छा इसके लिए हमने किया प्लस नाइन प्लस नाइन, ये तो इसका तो 1 आ गया, इसका इक्वल टू इसको 2 को उधर ले जाओ एंड प्लस नाइन कर दिया, तो ये बन गया x माइनस थ्री का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 11, तो x माइनस थ्री इज प्लस माइनस रूट 11, तो x इज 3 प्लस माइनस रूट 11। ठीक है, अब ये रूट 11 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो 3 से 3 पॉइंट समथिंग आगे गया, 3 पॉइंट समथिंग पीछे आया, दोनों के दोनों 1 2 3 के बीच में नहीं आ रहे, तो इसका एक ही यहां से बन रहा है x इक्वल टू 1। दूसरा,
अब अगर यहां पे है या यहां पे है तो एज इट इज ओपन होगा, ये एज इट इज ओपन होकर ये आ जाएगा ये, एंड इधर आ गया 2x+5 इंटू x-1 इक्वल टू जीरो, ये बन गया ना x-1 कॉमन, तो इससे आया x इक्वल टू 1, वो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, वैसे भी वो इसके अंदर इग्नोर हो रहा है क्योंकि 1 इसके अंदर काउंटेड ही नहीं है, ये है। अच्छा बाकी जो बचा दैट इज x स्क्वायर -4x+3+2x+5, तो x स्क्वायर -2x+8 तो ये आ जाएगा इक्वल टू, इसका तो डिस्क्रिप वही नेगेटिव है, रूट सही नहीं, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ठीक है, तो एक ही रूट आ रहा है इनफैक्ट x इक्वल टू 1, किसको किसी भी इंटरवल के अंदर उस नंबर को हमेशा अगले वाले इंटरवल के साथ इंक्लूड करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू पे आते हैं एक्चुअली में यार, इक्वल टू जीरो वाली जो चीज है ना, ये दोनों में से कहीं पर भी चली जाती है क्योंकि उसका साइन ही नहीं है, उसका फर्क कभी आंसर में फर्क नहीं पड़ता, कभी भी नहीं पड़ता, तो जहां मर्जी ले जा, दोनों में ले जा तब भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि पहली बात तो मोड डिसकंटिन्यूटी लाता नहीं है, तो अगर है ही वो कंटिन्यूस तो इधर कर ये इधर कर, आंसर सेम, बस एक बार काउंट कर जहां मर्जी कर ले। डी ध्यान से देखो यार, ये वाला मॉड पॉजिटिव ओपन होना चाहिए, ये वाला मॉड पॉजिटिव ओपन होना चाहिए, तब जाके ये दोनों बराबर होंगे, चेक करो, अगर ये वाला मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो ये मॉड एज इट इज ओपन होगा, तो क्या बन जाएगा -2x+1+1, और ये वाला मॉड भी एज इट इज ओपन होगा तो 2x+2, और देखो 2x+2 को मैं लिख सकता हूं x+1+1, और +1 वाला क्या हो जाएगा ट्वाइस, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा 2x+1+1, तो ये बन जाएगा, तो इन दोनों का कौन सा कॉम्बिनेशन है जो ये बना रहा है, वो बना रहा है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ओपन होना चाहिए, अब ये पॉजिटिव कब ओपन होगा, व्हेन x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड अब ये चीज 2x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, तो दैट इज 2 की पार 0, तो x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये a जो है वो 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम पावर की, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो तो 2 से बड़ा बड़ा, तो अगर कोई भी 2 से बड़ा बड़ा नंबर है तो ये वैलिड होगा, -2 आएगा, हाँ -2 आएगा, अच्छा फिर -2 एंड -1 के इंटरसेक्शन -1 से बराबर, इस तरीके से, ठीक है। -3 का मैं चेक कर लेता हूं,
इसके केसेस बनाओ जरा। ठीक है। एक ये एंड इसका वो क्या था, माइनस वन था। ठीक है ठीक है। अगर मैंने ये वाला पार्ट लिया तो यहां पे दोनों पॉजिटिव ओपन होंगे तो बन जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1। और ये बिल्कुल सही है, तो ये सारा का सारा तो आंसर आना चाहिए, -2 -1 सॉरी। ठीक है, ये सारा का सारा आंसर आना चाहिए। अब इसके बीच में अगर देखा जाए, ये पॉजिटिव ओपन होगा, ये नेगेटिव ओपन होगा, ठीक है, -1 से पीछे। अब ये नेगेटिव आने का मतलब ये है -1 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1, ये घटा ये आ गया 2, तो 2x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया ना, तो x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू -1। अब -1 हो नहीं सकता क्योंकि -1 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वैसे -1 ऑलरेडी आंसर में आ चुका है, -1 को इधर भी ले सकते हो इधर भी ले सकते हो, वो ऑलरेडी आंसर में आ चुका है। अब इसका दोनों नेगेटिव ओपन हुआ, तो जब दोनों नेगेटिव ओपन होगा तो इधर माइनस आएगा, तो 2 की पावर -ऑफ x प्लस 2 ये प्लस 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 एंड ये तो 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1 एज इट इज, ये और ये कटा तो ये आ गया 2, नीचे चला गया 2 की पावर -x माइनस 2 ये 1, तो -x -2 दैट इज 1, तो -x दैट इज इक्वल टू 3, तो x इज -3 आ रहा है, आ रहा है। मैंने बोला तो वो पॉजिटिव वाले से होगा ही होगा, बट ये वाला केस भी आ रहा है, मतलब इसके अंदर सारे केसेस देखो बेस्ट है, इग्नोर हो जाएगा कोई ना कोई केस, इग्नोर हो जाएगा। एक्चुअली में इसमें पता क्या हो रहा है कि x की पावर नेगेटिव जा रही है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1 पे चला जाएगा ना, अगर इधर भी कोई 2 की पावर x बचता इन केस तो क्वाड्रेटिक वगैरह बन सकता था, तो फिर ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो सारे केसेस लेके जाओ बेस्ट है, आंसर में कुछ गड़बड़ा है।